बात करेंगे आज का मुकाबला 30-20 साउथ अफ्रीका वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच का तीसरा टेस्ट मैच का हुआ फिनिश। वेस्ट इंडीज ने इस पर भी 8 विकेट से मुकाबला जीता। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवर के मुकाबले करके 108 रन की पारी खेली। बारिश के कारण मुकाबला 13 ओवर रहा, इस पर 116 रन का। वो 9 ओवर की दूसरी गिनती वेस्ट इंडीज मुकाबले 116 रन बनाए 2 विकेट के मुकाबले में। इस मुकाबले में 8 विकेट से मुकाबले को जीत लिया। थर्ड T20 मुकाबला तुरबा में जो खेला गया था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। दोस्तों यह मुकाबला बहुत ही शानदार एक रोमांटिक तरह से खेला गया। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने वेट बल्लेबाजी करते हुए 108 रन की पारी खेली। वेस्ट इंडीज ने लक्ष्य का पीछा किया 116 रन का, 2 विकेट नुकसान पर मुकाबले को पूरा किया। वेस्ट इंडीज ने इस मुकाबले 8 विकेट जीत लिया। दोस्तों बात करें स्कोर बोर्ड देखते हैं किस तरह से परफॉर्म रहा था साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए। साउथ अफ्रीका वर्सेज वेस्ट इंडीज रियान डिगोल्टन रिजा हेंडिस बल्लेबाजी करने आए, 2709 की पारी खेली। एडी मार्क्रम कैप्टन 20 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टूप ने यहाँ पर 40 की पारी खेली, 15 गेंदों में 5 चौके 3 छक्के लगाए। जसवंत स्मिथ ने 6 की पारी खेली, नॉट आउट रहे। वीआर मंडल एक रन की पारी खेली। एक्स्ट्रा मिनट टोटल ने 108 रन बनाए 4 विकेट नुकसान पर। 13 ओवर का मुकाबला खेला गया, इसमें 8 की 300 डीएलएस मैच के साथ इस पर सिंघल 16 रन की टारगेट दिया। दोस्तों बॉलिंग की बात करेंगे आज वेस्ट इंडीज की बॉलिंग किस तरह से रही इस मुकाबले में, एक बेहतरीन पारी रही इस मुकाबले की। वेस्ट इंडीज वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच का मुकाबला फिर से बहुत ही शानदार अच्छा देखने को मिला। पारी बहुत ही शानदार अच्छी थी। दोस्तों हेलो गाइस, बात करेंगे आज का मुकाबला 30-20 साउथ अफ्रीका वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच का तीसरा टेस्ट मैच का हुआ फिनिश। वेस्ट इंडीज ने इस पर भी 8 विकेट से मुकाबला जीता। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवर के मुकाबले करके 108 रन की पारी खेली। बारिश के कारण मुकाबला 13 ओवर रहा, इस पर 116 रन का। वो 9 ओवर की दूसरी गिनती वेस्ट इंडीज मुकाबले 116 रन बनाए 2 विकेट के मुकाबले में। इस मुकाबले में 8 विकेट से मुकाबले को जीत लिया। थर्ड T20 मुकाबला तुरबा में जो खेला गया था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। दोस्तों यह मुकाबला बहुत ही शानदार एक रोमांटिक तरह से खेला गया। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने वेट बल्लेबाजी करते हुए 108 रन की पारी खेली। वेस्ट इंडीज ने लक्ष्य का पीछा किया 116 रन का, 2 विकेट नुकसान पर मुकाबले को पूरा किया। वेस्ट इंडीज ने इस मुकाबले 8 विकेट जीत लिया। दोस्तों बात करें स्कोर बोर्ड देखते हैं किस तरह से परफॉर्म रहा था साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए। साउथ अफ्रीका वर्सेज वेस्ट इंडीज रियान डिगोल्टन रिजा हेंडिस बल्लेबाजी करने आए, 2709 की पारी खेली। एडी मार्क्रम कैप्टन 20 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टूप ने यहाँ पर 40 की पारी खेली, 15 गेंदों में 5 चौके 3 छक्के लगाए। जसवंत स्मिथ ने 6 की पारी खेली, नॉट आउट रहे। वीआर मंडल एक रन की पारी खेली। एक्स्ट्रा मिनट टोटल ने 108 रन बनाए 4 विकेट नुकसान पर। 13 ओवर का मुकाबला खेला गया, इसमें 8 की 300 डीएलएस मैच के साथ इस पर सिंघल 16 रन की टारगेट दिया। दोस्तों बॉलिंग की बात करेंगे आज वेस्ट इंडीज की बॉलिंग किस तरह से रही इस मुकाबले में, एक बेहतरीन पारी रही इस मुकाबले की। वेस्ट इंडीज वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच का मुकाबला फिर से बहुत ही शानदार अच्छा देखने को मिला। पारी बहुत ही शानदार अच्छी थी। दोस्तों का था टारगेट वेस्ट इंडीज इस मुकाबले को 30 रन से जीत लिया। तरुबा में वेस्ट इंडीज में जो मुकाबला खेला गया था साउथ अफ्रीका टीम और वेस्ट इंडीज, अब बात करेंगे किस तरह से परफॉर्म रहा था वेस्ट इंडीज का। एलेक शोई होप दोनों बल्लेबाज करने आए थे, 28-41 की दोनों ने पारी खेली। विलियम्स की गेंद पर फेरिया ने कैच लगवाया एलेक का, उसके बाद शोई होप से साथ निकोलस पूरन आए, उन्होंने 19 रन के साथ दिया। 42 गेंदों में 2 छक्के 4 छक्के आए थे उनके बल्ले से। निकोलस पूरन ने 19 रन की पारी खेली, 1 छक्का लगाया। शो क्रिकेट स्टाइल है विलियम्स की गेंद थी।
रोस्टोन चीज नोटेड सातों में प्रेम रोवेन पोवेल कैप्टन ने 35 की पारी खेली 22 गेंदों में विलियम्स ने फिर महेंद्र दर्शन ने केशव का सफेस ज्यादा क्रोड आप 29 की पारी के लिए 18 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के लगाए 161.11 बैट्समैन ने बॉल किया हेंड्रिक्स ने असल केशव का अलिक 28 साहिब 41 निकोलस पुरन रोमैया शेफर्ड नॉट आउट नौ रन की पारी खेली सुबह के लिए खुशैन तीन रन की पारी खेली तीन गेंदों में टोटल की बात करें 176 रन 20 का मुकाबला खेला गया उसमें 8.5 स्ट्राइक रेट विकेश मोटी ने स्कोर समर जोसेफ। हाय गाइस गाइस यह बात करने वाला है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका बीच का सेकेंड टी ट्वेंटी मुकाबला जो खेला गया था तुरबा में। दोस्तों मैच की बात करेंगे अगर वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज़ ने इस मुकाबले को 30 रन से जीत लिया। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते 179 की पारी खेली 6 विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका टीम ऑफ वेस्ट इंडीज़। दोस्तों 10-25 में मुकाबला खेला गया उसकी बात करेंगे आज होगा तीसरा टी ट्वेंटी मुकाबला। उससे पहले बात करें सेकंड टी ट्वेंटी मुकाबले की, देखते हैं किस तरह से परफॉर्म किया था वेस्ट इंडीज़ टीम ने। 179 पर 6 विकेट गिरे थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी करते हुए 149 पर टीम हुई ऑल आउट 180 का था टारगेट। वेस्ट इंडीज़ इस मुकाबले को 30 रन से जीत लिया। तरुबा में वेस्ट इंडीज़ ने जो मुकाबला खेला गया था साउथ अफ्रीका टीम ऑफ वेस्ट इंडीज़। अब बात करेंगे किस तरह से परफॉर्म रहा था वेस्ट इंडीज़ का। एलिक शोई होप दोनों बल्लेबाज करने आए थे 28-41 की दोनों ने पारी खेली। विलियम्स की गेंद पर फेरिया ने कैच लगाया एलिक का। उसके बाद शोई होप से साथ ही कॉलेज पूरा आया उन्होंने 19 रन के साथ दिया 41 गेंदों में 2 छक्के 4 चक्के आए थे उनके बल्ले से। निकोलस पुरन ने 19 रन की पारी के लिए 1 छक्का लगाया 100 की स्टाइल है। विलियम्स की गेंद थी रोस्टोन चीज नो गेंद सातों में प्रेम रोवेन पोवेल कैप्टन ने 35 की पारी के लिए 22 गेंदों में विलियम्स ने फिर महेंद्र दर्शन ने केशव का सफेस ज्यादा क्रोड आप 29 की पारी के लिए 18 गेंदों में 3 छक्के 2 चक्के लगाए 161.11 बैट्समैन ने बॉल किया हेंड्रिक्स ने असल केशव का अलिक 28 साहिब 41 निकोलस पुरन रोमैया शेफर्ड नॉट आउट नौ रन की पारी खेली सुबह के लिए खुशैन तीन रन की पारी खेली तीन गेंदों में टोटल की बात करें 176 रन 20 का मुकाबला खेला गया उसमें 8.5 स्ट्राइक रेट विकेश मोटी ने स्कोर समर जोसेफ।